जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी के बारे में। इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल टेक्सटाइल सेक्टर का एक छोटा सा स्टॉक है। टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल देखेंगे यदि भारत में तो एक ग्रोइंग सेक्टर है, और इस सेक्टर में जितने भी कंपनियां हैं इन दिनों सब में देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिरता बनी हुई है। बहुत ज्यादा तेजी आपको टेक्सटाइल के सेक्टर में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल, इसके फंडामेंटल में भी थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी ओवरऑल सारी चीजें बढ़िया है। और यहाँ पे देखेंगे एक दिन में तकरीबन 4% की जो गिरावट आपको देखने को मिली है, इस गिरावट के पीछे की बात करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, हालांकि मार्केट में देखेंगे तो बहुत तेजी है, चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है आप समझिए एक प्रकार से, इसके बाद मार्केट और भी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसे हालात में भी यदि इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे, इसी चीज को इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, मैं यह भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है और नया व्यक्ति तो कहां पे इसमें एंट्री ले सकते हैं, ताकि सही जगह पे आप एंट्री लेंगे तभी आपको ठीक ठाक पैसा बनाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे बीएस इंडिया की वेबसाइट पर भी हम लोग आए हुए, बीएस इंडिया काफी रिलायबल वेबसाइट माना जाता है किसी भी स्टॉक को स्क्रीनर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स को मैंने ओपन किया हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि या तो ये स्टॉक ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में नहीं है, सेबी की निगरानी में किसी भी तरीके से इस स्टॉक को अभी नहीं रखा गया है कुछ भी जांच पड़ताल करने के। लेकिन उसके बावजूद भी इस स्टॉक में आपको एक डाउनफॉल अच्छा खासा देखने को मिला है कल के डेट में, कल जब मार्केट ओपन था तो। और यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन तो इसमें लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखा है। ऐसे माहौल में जहां सभी कंपनियों के शेयर प्राइस रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसी स्थिति में इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको नीचे की तरफ आ रहा है। जब भी लोअर सर्किट लगता है तो प्राइस नीचे की तरफ आता है। और एक दूसरा टेंशन ये होता है कि ऐसे स्थिति में जब लोअर सर्किट लगता है तो जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं अपने शेयर्स को बेचना भी चाहें तो नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि इस समय बायर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने। तो आपको करना क्या है, आपको बेचने की जरूरत क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बेचिए ही मत, आप इसमें बने रहिए, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल के बारे में मैंने पहले भी काफी बार वीडियो बनाया है, अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा मतलब एग्रेसिव है। टेक्सटाइल के सेक्टर में जो हमारी गवर्नमेंट है इस इंडस्ट्री को ओवरऑल दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट समय समय पर अलग अलग स्कीम लॉन्च करते रहते हैं। इसके सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है उनको कुछ टैक्स में छूट हो गया या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते रहते ताकि जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर सके। तो इस इंडस्ट्री में जब गवर्नमेंट का भी साथ है तो ऐसे में इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो कंपनी टेक्सटाइल के साथ साथ टेक्सटाइल प्रोडक्ट तो बनाती है, इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी आपको करती हुई नजर आएगी। ट्रेडिंग कहते हैं जब किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं तो उसको बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त भी करते हैं, तो ट्रेडिंग हो जाता है। तो काम काफी बढ़िया है। और फंडामेंटल में थोड़ा सा देखेंगे तो जो मेरा क्राइटेरिया होता है पेनी स्टॉक को पिक करने के लिए, 100 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप होना चाहिए, उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता। हालांकि जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं किसी स्टॉक को फंडामेंटल को समझने का, तो उसमें जो स्टॉक का पीई है 22 के आसपास यानी कि काफी कम है, और पीई जितना कम हो उतना अच्छा माना जाए, तो ये एक सही समय है हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। लेकिन हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे और वहां पर डिसाइड करेंगे कहाँ पर हमें इसमें एंट्री करना है। दूसरी चीज, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओई है काफी कमाल का है, माइनस में नहीं है। सामान्यतः जो दूसरे पेन स्टॉक्स होते हैं उसमें देखेंगे आरओई यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कितना रिटर्न मिलेगा वो माइनस में देखने को मिलता है, यहाँ पे उसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जहां कंपनी के शेयर प्राइस में एक एक दिन में 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, आपको ये कंपनी साल भर में तकरीबन 2 से 3% रिटर्न निकाल कर देने का कम से कम दमखम रखती है। इसलिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ करना क्या है। देखिए जब आप चार्ट पर देखेंगे तो पाएंगे कि स्टॉक का प्राइस अभी भी कंसोलिडेशन रेंज में ही, ये देखिए यहीं से मिला लीजिए, ये जो लाइन है 80 पैसा के लेवल, 80 पैसे के लेवल से लेकर तकरीबन 60 पैसे के बीच में काफी दिनों से यह स्टॉक घूम रहा है। हालांकि बीच में ऊपर निकला था लेकिन फिर से इसी रेंज में आ गया। तो अब देखिए मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि इस रेंज को जब भी ब्रेक करके प्राइस बाहर निकलेगा तो नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर ही निकलेगा इसका प्राइस। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा ही होता है और बार बार ऐसा ही होता है, जब भी ब्रेक करेगा तो प्राइस ऊपर तरफ जाएगा यानी कि इसमें ब्रेकआउट होगा, और ये ब्रेकआउट कम से कम इस लेवल तक तो आएगा ही जहां पे इसका प्रीवियस हाई था 1 रुपये 60 पैसा, और इसके ऊपर भी निकलेगा कम से कम 2 रुपये 2.5 रुपये तक आपको जाते हुए इसका प्राइस दिखेगा। रही बात कब ऊपर निकलेगा, कब प्राइस ऊपर जाएगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में पेशेंस नहीं रखते हैं तो आपको पैसा बनाना काफी मुश्किल होने वाला है। पेशेंस रखे, पेशेंस के साथ आपका पैसा बनेगा। जो नए व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो जब भी इसके ऊपर निकले प्राइस आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 80 पैसा के आसपास, 80 पैसे थोड़ा ऊपर, और वहां पे आप अपना ठीक ठाक पैसा इस स्टॉक में बनाने को आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस स्टॉक का बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि इस कंपनी के पास जो डेप्ट है, यहाँ पे देखिए बोरो कहते हैं इसको, तो जो डेप्ट है वो आपको मार्च क्वार्टर में बढ़कर 500 करोड़ के आसपास हो गया है। पहले जहां 52 लाख के आसपास था अभी बढ़कर 500 करोड़ के आसपास हो गया है, और जो रिजर्व पैसा होता है 21 करोड़ से बढ़कर
वो 25 करोड़ हो गया, यानी कि रिजर्व जो कैश पैसा होता है वो बहुत कम बढ़ा है, लेकिन कंपनी का कर्जा काफी बढ़ गया। कर्ज डेप्ट इतना नहीं बढ़ना चाहिए था, डेप्ट बढ़ने की वजह से इस स्टॉक में आपको लोअर सर्किट लगते हुए दिखा है। अभी बहुत जल्द ये जो लोअर सर्किट लगा है Q4 के नंबर काफी लोगों को उम्मीद था कि मतलब एक अच्छा नंबर आएगा, लेकिन Q4 में अच्छे नंबर्स नहीं आए, कंपनी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, जिस वजह से आपको कंपनी में अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है, शेयर प्राइस में नीचे की तरफ गिरावट आपको होते हुए दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में जो जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उसमें फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत होगा, और इसके फंडामेंटल जब मजबूत होगा तो शेयर प्राइस में तेजी आते हुए आपको दिखेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा आप लॉन्ग टर्म का निवेशक बने, लॉन्ग टर्म में आपको क्या होगा, कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और शेयर का प्राइस बढ़ने से आपको उसका अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ रेस्टोरेंट टेक्सटाइल के बारे में जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, सबसे पर्सनली जुड़कर बातें करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।